तो वेलकम है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स लास्ट सेमेस्टर सेमेस्टर 6 का क्वार पेपर 13 और सब्जेक्ट का नाम होगा आपका जन संचार। ठीक है, इसके तहत 2022 में एक यूनिवर्सिटी जो CBCS पैटर्न पर आधारित है द्वारा लिया गया एग्ज़ाम है एंड CBCS पैटर्न पर आधारित भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी चलते हैं सभी के लिए मान्य होगा जनसंचार का पेपर। जनसंचार का पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, CBCS पैटर्न हो या ना हो, काम दे देगा। अब आइए बात करते हैं पेपर किस टाइप के होते हैं। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं, यानी कि आपका जो मार्क्स रहेगा वो साइड में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी प्रश्नों के आंसर दें। इस पेपर में केवल 2 ही प्रश्न हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका 15 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें से 15 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, किन्हीं 4 का ही आपको आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है कि जनसंचार की परिभाषा एवं महत्व को लिखें। ख नंबर है जनसंचार एवं उसके स्वरूप पर चर्चा करें। ग नंबर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रकारों का वर्णन करें। घ नंबर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्वरूप की चर्चा करें। और अंग नंबर है प्रिंट मीडिया के माध्यमों की चर्चा करें। तो ये है 5 क्वेश्चन, इसमें से किसी 4 का ही आपको आंसर लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको 2 अंकों वाले 10 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसका आंसर आपको केवल छोटे छोटे शब्दों में देना है। मुश्किल से आप कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम 40 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं लिखिए। जनसंचार क्या है इसकी परिभाषा लिखना है। ख नंबर है पित्त पत्रकारिता क्या है इसके बारे में बताना है। ग नंबर है प्राइम टाइम किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, प्राइम टाइम जैसे कि होता है टेलीविज़न के समय, जो शाम के 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक जो टाइम होता है ना, प्राइम टाइम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी बीच आपका टेलीविज़न देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी मोबाइल जो भी होते, यूट्यूब वगैरह। हम लोग के लिए प्राइम टाइम शाम का समय होता है, 7 बजे से 10 बजे के बीच। घ नंबर है दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई। तो दोस्तों दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो ये हुई थी 1959 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय इसका नाम दूरदर्शन नहीं पड़ा, दूरदर्शन में इसका नाम तो बाद में पड़ा 1972 में। अंग नंबर है आकाशवाणी की शुरुआत भारत में कब हुई। तो दोस्तों आकाशवाणी जिसे आप लोग रेडियो बोलते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो की शुरुआत भारत में 1927 में हुआ था, और 1927 में मुंबई और कोलकाता के बीच जो है रेडियो चलाया गया था। तो तीसरा क्वेश्चन है AIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। छठा है मंडी हाउस कहाँ स्थित है। दोस्तों मंडी हाउस जो है आपका देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली यहाँ पर लिख दीजिएगा। ज नंबर है FM का पूरा नाम क्या होता है। तो FM का पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये हो गया। रेडियो में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका 108 से 102 के बीच बिट्स होते हैं, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। ज नंबर है BBC का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों BBC जो कि ब्रिटेन का है, हम बोल सकते हैं एक तरह से ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन या कौंसिल है जी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कौंसिल ही होगा। ठीक ना, इसको देख लीजिएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कौंसिल इसका पूरा नाम होता है। एंड भारत या पूरा विश्व में बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जो है BBC है, BBC न्यूज, आप लोग देखे भी होंगे। अंग नंबर है संपादक या पोस्ट का संबंध संचार के किस माध्यम से है। ठीक है, और अंतिम है PTI का पूरा नाम क्या होता है। तो PTI का पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, भूल रहे हैं। और अंतिम क्वेश्चन है हिंदुस्तान के संपादक कौन है। तो हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालदीव, आप सभी जानते होंगे, और ये क्रांतिकारी भी थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्रामी। तो ये था आपका क्वेश्चन हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 अंतिम लास्ट पर आप हैं दोस्त, इसको पार कीजिए यार, और ग्रेजुएशन फाइनल है, 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको कोर पेपर 14 देखना हो, कोर पेपर 14 के बाद DSC 3 DSC 4 पेपर देखना हो, तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं, सभी के अवेलेबल है। साथ ही दोस्त
इसके बाद अगर आप पीजी करना चाहते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, या बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेट, सभी क्वेश्चन पेपर, नेट, जेआरएफ, सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे दोस्त। एंड बाकी आपकी मर्ज़ी यार, आप खुद समझदार हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन न छोड़ के आएँ, ठीक है, थैंक यू।